पब में लड़कियों के साथ राहुल, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा ने कसा तंग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने विदेशी देशों के दौरे को लेकर मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। अभी ताजा मामले में राहुल नेपाल के निजी दौरे पर है। राहुल गांधी के नेपाल दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें वो काठमांडू के नाइट क्लब में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स नेपाल का है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं यह उनका निजी मामला है, लेकिन जब राजस्थान के जोधपुर में हिंसा हो रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान जल रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करने के बजाय राहुल गांधी नेपाल में नाइट क्लब में पार्टी करते नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें भारत के लोगों के साथ उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा। वेकेशन, पार्टी, हॉलीडे, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है। उधर बीजेपी के अन्य नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी की निजी जिंदगी का मामला नहीं है। उन्होंने पूछा, राहुल गांधी किसके साथ है? क्या चाइना के एजेंटों के साथ है? क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं सेना के खिलाफ, वो चाइना के दबाव में करते हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल राहुल गांधी का नहीं देश का है। बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जब मुंबई पर हमला हुआ था तब भी राहुल गांधी नाइट क्लब में थे, अब जब उनकी पार्टी संकट में है तब भी वे नाइट क्लब में हैं। उसमें निरंतरता है,